यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में दरअसल रूस जुटा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा हमला रूस द्वारा किया जाने वाला है, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर टारगेट कर सकता है रूस। यानी रूस की तरफ से एक बड़ा हमला यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किया जा सकता है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। कुछ समय से लगातार जिस तरह से रूस द्वारा हमले किए जा रहे थे, इसमें एक बार फिर यूक्रेन द्वारा ये कहा जा रहा है कि रूस प्लानिंग बना रहा है एक और बड़े हमले की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए। लेकिन इस महायुद्ध में रूस का सबसे विनाशकारी प्लान तैयार हो गया है। रूस ने तैनात की है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। 30 मिनट में तबाह कर देगी धरती का कोई भी कोना, और उस मिसाइल को रूस ने तैनात कर दिया है। तो दिखा रहा है, यह तैनाती अपने आप में दर्शाती है कि कैसे रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक आगे बढ़ सकता है और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है उसका भी देखने के लिए। ये जो तैनाती है वो बता रही है कि रूस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो मिसाइल है, जो खतरनाक मिसाइल है जिसको तैनात किया है रूस ने, वो 30 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। लेकिन ये तैनाती रूस द्वारा अब की गई है। महायुद्ध के बीच रूस ने बढ़ाई है स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की ताकत भी। जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स है रूस की, उसकी ताकत को भी बढ़ाया है रूस ने। ओरेनबर्ग रीजन में हाइपरसोनिक एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। आवाज की गति से 27 गुना तेजी से आगे बढ़ती है एवंगार्ड मिसाइल, और इसकी तैनाती की है रूस ने। तो रूस अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम को कैसे और ताकतवर बना रहा है, वो इस तैनाती से साफ तौर पर देखने को मिलता है। हाइपरसोनिक एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम तैनात किया है रूस ने। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि रूस बड़ा हमला कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। रूस कैसे अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर रहा है, अपनी उन मिसाइलों की तैनाती कर रहा है जो ताकतवर हैं और किसी भी सूरत में और कितना भी बड़ा हमला कर सकती हैं, वो जो खबर है वो भी निकल कर सामने आई, जिसमें एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम का तैनाती सामने आई है। इसके अलावा उस तरह की मिसाइल की भी तैनाती कर दी गई जो दुनिया में कहीं पर भी 30 मिनट में हमला कर सकती है। लेकिन क्या है इसका मतलब, ये जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो ये नया ऑपरेशन है पुतिन का जिसको हम चक्रवात कह रहे हैं, दरअसल इसके क्या मतलब है, आइए वो आपको बताते हैं। देखिए किस तरह से रूस ने तैनात की है तबाही की मिसाइल। रूसी कमांडर के साथ बैठक में पुतिन ने बड़ा फैसला लिया। पुतिन की बड़ी बैठक हुई रूसी कमांडरों के साथ और वहां बड़ा फैसला लिया गया। रूस ने तैनात किया है हाइपरसोनिक एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम। रूस ने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है, हाइपरसोनिक एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम ओरेनबर्ग रीजन में तैनात किया गया है इस हाइपरसोनिक एवंगार्ड मिसाइल सिस्टम को, और ये अहम बैठक के बाद फैसला लिया गया कि इसकी तैनाती की जाए। एवंगार्ड से रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की ताकत और बढ़ गई है। लगातार अपनी जो मिसाइल फोर्स है उसकी ताकत को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं पुतिन। पुतिन एवंगार्ड को अजय मिसाइल बता चुके हैं, पहले ही ये कह चुके हैं पुतिन कि वो अजय मिसाइल है। उसकी क्षमताओं और उसकी ताकत का रूस बार बार जिक्र करता है। एवंगार्ड को दुनिया का कोई एंटी मिसाइल सिस्टम मार नहीं सकता है, अजय है, यह कहना है पुतिन का, और अब इसकी तैनाती की है पुतिन ने। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है और किस बात पर जोर दे रहे हैं पुतिन, वो भी जानना देखिए बहुत अहम है। ये जो मिसाइल है इसकी ताकत क्या है, इसकी जो क्षमता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है ये, और इसकी तैनाती दिखाती है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं पुतिन। रूस के ज़्यादातर मिसाइल अटैक दरअसल नाकाम हुए हैं। यूक्रेन ने 60% मिसाइल हवा में ही मार गिराई हैं। इस वजह से अमेरिकी हिमास से रूस को क्योंकि भारी नुकसान हो रहा था, रूस के सैनिकों का हौसला टूट रहा था, पश्चिम और नेटो को ताकत दिखाना भी ज़रूरी था। ये वो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से इस मिसाइल को तैनात किया है। 2023 में यूक्रेन के खिलाफ विध्वंसक तैयारी में है दरअसल रूस, और इस वजह से अब ये तैनाती। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे इसके बारे में बात करते हैं। पीके घोष सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तैनाती है, ये वजहें हैं कुछ जो हमें लगता है कि प्रमुख वजह है जिस वजह से पुतिन ये नई तैनाती कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों पुतिन अपनी मिसाइल क्षमता को ऐसे बढ़ा रहे हैं, क्या उसकी प्रमुख वजहें हैं? देखिए, ये पुतिन जो है ये धीरे धीरे एस्केलेट कर रहे हैं अब ये कॉन्फ्लिक्ट को। उन्होंने एवंगार्ड का जो रेजिमेंट है उसको ऑपरेशनल यूज डिप्लॉयमेंट किया है। एवंगार्ड
जैसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स 0.8 से लेकर 2 मेगाटन का वॉरहेड जो काफ़ी बड़ा है वो अपने साथ ले जा सकता है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। BPI फेज में यानी बूस्ट फेज में शायद इसे रोकना थोड़ा आसान है, लेकिन वैसे रोकना क्योंकि ये 20% 20 मार्क के से ज़्यादा जाता है, तो ये जैसे देख रहे हैं कि रूस एस्केलेट कर रहा है। रिसेंटली मतलब कल ही CIA के डायरेक्टर ने कहा कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने पुतिन साहब से बात करके जो न्यूक्लियर प्लान्स थे उनके वो कम कर दिया है, उसकी आशंका अभी कम हो गई है। तो ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर प्लान्स को थोड़ा पीछे ले लिया है। लेकिन सर ये भी अपने आप में चिंता की वजह है कि अमेरिका को इस मामले में बात करनी पड़े क्योंकि लगातार वो उस तरह के थ्रेट्स दे रहे हैं, वो बार बार अपनी जो इरादे हैं उसको क्योंकि उस तरफ इशारा करते हैं कि हम न्यूक्लियर हमले की तरफ भी जा सकते हैं, इस वजह से बात करनी पड़ी और फिर वो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो चिंता की वजह तो बनी हुई है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करते हैं, दे यूज इट एज अ चिप। सर मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन एक अहम बात आपने कही कि एस्केलेट कर रहे हैं दरअसल पुतिन और इस वजह से ये नई तैनाती है।